नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। देश में कोरोना के मामले में लगातार तेजी आ रही है। कोविड 19 से पीड़ित लोगों का आंकड़ा पूरे देश में बढ़कर 5,800 के पार पहुंचा है। इस जानलेवा वायरस के कारण मौतों का आंकड़ा 166 के पार पहुंचा है। सरकार ने इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम उपाय कर रही है, उसके बावजूद कुछ जिले हैं इस बीमारी के हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं। और महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। हर संभव महाराष्ट्र सरकार कोरोना से जंग लड़ रही है। ऐसे में मुंब्रा की अगर हम बात करें तो ठाणे जिले में आता है। इस इलाके में कोरोना ने पिछले दिनों दस्तक दिया था। पहला कोरोना मरीज अमृत नगर से पाया गया, उसके बाद एक के बाद एक पॉजिटिव मिले। लगभग 4 से 5 पेशेंट पॉजिटिव मिल चुके थे, एक पेशेंट की मौत भी हो चुकी है। और अब मुंब्रा से सटे बाईपास के पास कालशेखर हॉस्पिटल है, जहां पर कोरोना वायरस पॉजिटिव पहला एक शख्स 2 दिन पहले मिला। और जो कालशेखर से पॉजिटिव पाया गया, उसी के घर से 5 से 6 सदस्य और पॉजिटिव मिले हैं। यानी एक परिवार पूरा जो है कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिले हैं, रिपोर्ट सामने आई है। फिलहाल कालशेखर हॉस्पिटल को कल सभी कर्मचारी और डॉक्टर नर्स पेशेंट को बाहर निकालकर सील कर दिया गया है, जिसके चलते पूरे मुंब्रा में हंगामा मच गया। जो लोग कालशेखर हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए या अन्य बीमारियों से जुड़े लोगों का इलाज करा रहे थे, उनमें भी हड़कंप मच गया। उसके बाद डायलिसिस के पेशेंट व बीमारी से जुड़े इस हॉस्पिटल जो इलाज के लिए एडमिट थे लोग, वहां पर उनके सामने दिक्कतों का एक पहाड़ सा खड़ा हो गया। इस हॉस्पिटल में डायलिसिस के 108 पेशेंट अब कहां इलाज कराएंगे। लेकिन ऐसे में कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने इस कालशेखर हॉस्पिटल में पाए गए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट और जो पहले से एडमिट थे पेशेंट डायलिसिस के लिए, उनके इलाज के लिए खासदार ने आगे आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर श्रीकांत शिंदे ने एक अर्जेंट मीटिंग बैठाई थी और मुंब्रा के कालशेखर हॉस्पिटल को लेकर जो 108 पेशेंट डायलिसिस के लिए एडमिट थे, अब उनकी ठाणे में इलाज होगी। ये तस्वीर नरेश मस्के की है, केबिन में जहां पर हेल्थ ऑफिसर भी शामिल थे, जहां तत्काल निर्णय लिया गया। खासदार श्रीकांत शिंदे ने क्या कुछ कहा है, आप पहले सुनिए। कालशेखर हॉस्पिटल जो मुंब्रा का है, वो कोविड का वहां पर मरीज पॉजिटिव आने के कारण पूर्णतः बंद हो चुका है। तो वहाँ से मुंब्रा से जो डायलिसिस के पेशेंट्स थे, वहाँ से मुझे फ़ोन आए और कालशेखर हॉस्पिटल के भी स्टाफ का फ़ोन आया। तो जल्द से जल्द इन मरीज़ों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इनका जो डायलिसिस है और कहीं तो हमें करके देना चाहिए, क्योंकि 108 पेशेंट्स जो है वो वहाँ पर डायलिसिस लेते हैं और 50 से ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो कालशेखर अस्पताल में डायलिसिस लेते। इसलिए आज तुरंत हमने महापौर नरेश मस्के साहब के केबिन में मीटिंग ली और वहाँ पर हेल्थ ऑफिसर्स भी सभी उपस्थित थे और ये डिसीजन लिया गया कि थाने महानगर पालिका के माध्यम से आज इस 108 मरीजों का ट्रीटमेंट जो है वो थाने के जीतू अस्पताल हो, उसी के साथ में वाडिया अस्पताल हो और उसी के साथ में कोबरी का डायलिसिस सेंटर हो। ये सभी मिलाकर 30 मशीन्स जो है हमारे पास है। तो इन सभी मरीजों का थाने में इलाज होगा और जो जो 108 मरीज़ है उनसे थाने महानगर पालिका खुद संपर्क करेगी और लेके आने का मतलब लाना जाना जो पेशेंट का है वो थाने महानगर पालिका के एम्बुलेंस से होगा। तो सभी में डायलिसिस पेशेंट जो जो कालशेखर अस्पताल में इलाज करा रहे थे, उन सभी को आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग इस थाने महानगर पालिका की सेवा का लाभ लें, जिससे आपका डायलिसिस जो है वो किसी का भी डायलिसिस रुक नहीं पाएगा। तो आज थाने महानगर पालिका को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर। उसी के साथ मैं महापौर नरेश जी मस्के साहब का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि उनके हस्तक्षेप से तुरंत ये सुविधा जो है थाने महानगर पालिका में शुरू हो रही है। उसी के साथ में नजीब जी मुल्ला जो हमारे कॉरपोरेटर हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी भी सहायता इसमें रही है। तो सभी आवाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आकर इसका डायलिसिस का लाभ लें, जिससे आपका आपके ट्रीटमेंट जो है वो नहीं रुके। तो आपने सुना खासदार श्रीकांत शिंदे ने क्या बताया। मुंब्रा के कालशेखर हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट थे, उन्हें चिंता या घबराने की जरूरत नहीं है।
ठाणे महानगरपालिका की तरफ से निर्णय लिया गया है। 108 पेशेंट को ठाणे महानगरपालिका के एम्बुलेंस से ठाणे में लाया जाएगा और उनका इलाज होगा। ठाणे महानगरपालिका खुद कांटेक्ट करेगी उन जो है पेशेंटों से। और एक वीडियो वायरल हो रही है कालशेखर हॉस्पिटल की, जो वहां पर कोरोना पॉजिटिव जो पाया गया था, उसके बाद जो है जो भगदड़ मची, उसके बाद जो है वहां पर जो अधिकारी, वो अधिकारी जो है किस तरह से लेकर जा रहे हैं एम्बुलेंस में, ये भी आप तस्वीरें देखिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।